हाय शख्स, क्या आपने कभी बकरी को गाय के दूध पीते हुए देखा है या कैमल को डोंकी का? पूरी दुनिया में सिर्फ हम ह्यूमन ही ऐसे स्पीशीज है जो रोज दूसरे जानवरों का दूध पीते हैं। कहते हैं कि ह्यूमंस को एक एज के बाद दूध की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन हम ह्यूमंस सालों से रोज दूध पीते आ रहे हैं ये समझ के कि दूध में कैल्शियम होता है। शख्स, आज 70% लोगों को ये भी नहीं पता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, यानी दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और इस दूध हम रोज पीते हैं, इसमें बहुत अडल्ट्रेशन होता है। इस दूध का एक हेल्थी एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है प्लांट बेस्ड मिल्क। लेकिन इंडिया में पहले ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, तभी उसका अवेयरनेस उतना नहीं था और इसको टेस्ट करने पर उसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आती थी और इसका फंक्शनैलिटी भी बहुत पोअर था। इसको बॉयल और कुक करने का समय में वो फट सकता है। शख्स, जब हम US में पढ़ रहे थे तो हम सबसे बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को ट्राई किए और हम चाहते थे कि इंडियंस को भी उन जैसे प्रोडक्ट्स टेस्ट करने को मिले, तो हमने वापस आकर स्टार्ट किया ऑल्टको, ए प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव डेयरी एंड प्रोटीन कंपनी। तो शख्स, मेरा नाम है बसंत पाटिल। नमस्ते शख्स, मेरा नाम ऋत्विक है और हम दोनों ऑल्टको की फाउंडर्स है। ऑल्टको में हम बेचते हैं ऑल डेयरी। ऑल डेयरी में हमारा ओट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोय मिल्क एंड रिसेंटली लॉन्च्ड ऑल्ट मिल्क है। ऑल्ट मिल्क भारत का पहला ऐसा दूध है जो दूध नहीं है, लेकिन स्वाद, टेस्ट, न्यूट्रिशन बिल्कुल दूध जैसा है। हमारा सारे मिल्क्स टेस्टी, हेल्थी एंड क्रीमी भी, और हमारा मिल्क्स के साथ आप सब कुछ बना सकते हैं। जस्ट लाइक रेगुलर मिल्क, यू कैन मेक योर कॉफी, टी, खीर एंड पास्ता। हमारा दूसरा सेगमेंट है, विच इज अ न्यू सेगमेंट, इज आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। इन दिस सेगमेंट वी हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस एंड ऑल्सो प्रोटीन बार्स एंड एनर्जी बार्स। हमारा प्रोडक्ट्स दोनों ऑफलाइन एंड ऑनलाइन चैनल्स पे मिलता है। आज ऑल्टको इंडियन ओट मिल्क मार्केट का लीडर है। कोविड के बाद हेल्दी प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस बढ़ गया है। ऑल्टको इस मूवमेंट का फोरफ्रंट पे रहना चाहता है। ऑल्टको इंडियंस को बेटर फॉर यू और बेटर फॉर द प्लैनेट प्रोडक्ट्स देने का विजन रखा है। तो शख्स, हमारा आस्क है 1.5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। आप दूसरे जानवरों का दूध उन्हें ही पीने दीजिए एंड स्विच टू ऑल्टको। शख्स, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मिल्क ट्राई करें। थैंक यू मैन, यू ब्रॉट मेरी कैटेगरी लेके आ गए बॉस। के लिए हमने हॉट हॉट कॉफी बनवाया विद आवर ओट मिल्क। दिस इज टू सी द पैकेजिंग। दिस ओट ड्रिंक इज वेरी नाइस। या इट्स वेरी नाइस। हाउ मच इज दिस बॉक्स? 299. माय ब्रदर इन लॉ इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। माय हस्बैंड हैज बीन एडवाइज्ड नो ग्लूटेन एंड डेयरी। ऐसे लोगों के लिए व्हिच ऑफ द मिल्क्स वुड वर्क? ऑल ऑफ देम वुड वर्क। ऑल ऑफ देम वुड वर्क। यस। आपका एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है? तो हमारा कंपनी बेस्ड इन बैंगलोर है, लेकिन हमारा प्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ मिल्क मैन्युफैक्चर करते हैं वो पुणे के बाहर है, और उसके बाद ये को पैकिंग के लिए एक दूसरा बड़ा फैक्ट्री पे जाता है और को पैकिंग होता है टेट्रा पैक। मार्केटिंग कंपनी है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग? हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हम मार्केट, हमारा कंपनी दोनों। और आप दोनों में से मार्केटिंग का ब्रेन कौन है? मार्केटिंग का ब्रेन हम दोनों ही है, बट लाइक ही इज द बिगर मार्केटिंग ब्रेन। खास करके पूछ रहा हूं बिकॉज दिस इज एन एडिबल एंड किड्स आर गोना हैव इट। बिल्डिंग द राइट क्रेडिबिलिटी ऑन दिस इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। करेक्ट। इफ यू वांटेड टू गो एवरीवेयर। ये जो अल्टरनेटिव डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, यू सेड यू आर द लार्जेस्ट प्लेयर, तो आपको कुछ मार्केट साइज का एस्टिमेट होगा यहाँ का एंड एज इन US मार्केट फॉर इंस्टेंस। तो मार्केट साइज इंडिया में अभी नेसेंट मार्केट है, प्लांट बेस्ड डेयरी एंड प्रोटीन को मिला के शायद अराउंड 1000 करोड़ होगा। द बिगेस्ट ओट मिल्क कंपनी इन द वर्ल्ड, इट्स मार्केट कैप इज 10 बिलियन। क्या नाम है? और उसका 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका नाम है ओटली। ओटली, दैट्स राइट। इनकी शेल्फ लाइफ क्या है आपके प्रोडक्ट्स? तो हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स का शेल्फ लाइफ है अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स, जो छोटा जो फ्लेवर्ड मिल्क का कम है 6 मंथ्स। आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम रीडिंग द पैकेजिंग, जो रॉनी ने कहा ना ये बच्चों को दिया जाता है एज अ मदर ऑफ अ यंग चाइल्ड, तो मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ तो आई सी रिफाइंड कोकोनट ऑयल, आई सी सनफ्लावर ऑयल एटसेट्रा ऑन दिस।
कैन यू एक्सप्लेन दैट, बिकॉज एज अ मदर हु डजंट अंडरस्टैंड डेरी, मैं थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ ये सब पढ़ के. हम कुछ क्रीमीनेस के लिए ये ऑयल यूज करते हैं, और सिर्फ हम नहीं, ये मार्केट जो अमेरिका, यूके, इंडिया, सब लोग गुड क्वालिटी ऑयल जरूर यूज करते हैं. डोंट यू थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल एंड मिल्क, थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कंज्यूमर वरी करेगा? पहले जो अल्टरनेटिव मिल्क्स थे उनमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स रहते थे, जैसे गम्स और इमल्सिफायर्स. हमने एक स्टेप आगे जाके अभी क्लीन लेबल बनाया है जिसमें गम्स और इमल्सिफायर्स नहीं रहते हैं. तो अगला स्टेप पे जो आप राइटली बोल रहे हैं कि कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड ही क्यों नहीं करते, वो भी बन सकता है, मगर वो जो प्रोसेस है उसको थोड़ा टाइम अडेप्शन पे लगेगा इंडिया में, और हम उसके तरफ जाना चाहते हैं. US में जो सम ऑफ ओटली जैसे है, वो कम्प्लीटली क्लीन लेबल हो चुके हैं कि वो भी डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स वगैरह? उसमें सब है. यू नीड टू यूज द वर्ड मिल्क. FSSA गाइडलाइंस, आप मिल्क का वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मिल्क नहीं है. But this one says milk. So it's a drink. It's not MLK. So we just did a word play. It says MLK. I know. So your packaging is a little disparate when it comes to your. It's a little milk. तो हम लीगली जो पूरा दुनिया में क्या चल रहा है कि मिल्क नहीं यूज़ करने के लिए उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए काफ़ी सारे ब्रांड जो है मिल्क निकाल दिया है पैकेजिंग से और ड्रिंक बोल के मार्केटिंग कर रहे हैं. अगर आप ओट ड्रिंक बोलते हैं, आपको कम्प्लीटली दूसरी दिशा में जाना पड़ेगा, कैटेगरी क्रिएशन की दिशा. व्हेन यू से ओट मिल्क, यू आर ऑलरेडी इन द कैटेगरी. अब वो स्टेप अलग हो जाता है कस्टमर के लिए, राइट? तो वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, उसको काउंटर कैसे करेंगे? काफी सारा एजुकेशन है कुछ जो लोग अभी कंज्यूमर्स है, और थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा. सिर्फ MLK बोल के इज इट ओके, कोशर है कि उधर भी प्रॉब्लम आएगी आगे जाके? नो, उधर भी प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि यू कैन नॉट डिस्प्ले इट सेइंग. टैगलाइन हियर सेज MLK दैट्स नॉट मिल्क, एंड दैट इज अ स्लाइटली आपका पूरा स्टोरी क्या है, आपने शुरू कैसे किया? तो हमने पहले एक बड़ा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बने, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया पूरा इंडिया में, हमने काफी कैफेज को एटसेट्रा, हमने पहला ओट मिल्क लॉन्च किया, और फिर वो बड़ा कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन सडनली स्टॉप किया. उन्होंने स्टॉप करने के बाद हमें इमीजिएटली हमारे को इंडिया का फर्स्ट ओट मिल्क फ्रॉम स्क्रैच हमें 3 महीने में स्टार्ट किया, फ्रॉम डेवलपिंग द मिल्क टू पैकेजिंग सब कुछ. उसके बाद हमने कपल ऑफ इम्प्रूवमेंट्स किया, हमारे को बेंचमार्क आप कर सकते हैं कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट से. पैसा कहाँ से आया आपके पास? आपने डेवलप किया, आपने कहा यू लॉन्च इट इन अ बिग वे, ये फंड्स कहाँ से आए? पहले बूटस्ट्रैप था, फिर हमने एक राउंड इन्वेस्टमेंट लिया. कितना किया, क्या वैल्यूएशन पे, हिस्ट्री बता दो ना. तो एक्चुअली आवर फर्स्ट राउंड वाज एट अ 35 करोड़ वैल्यूएशन. वी रेज्ड 8.8 CR. ये 2021 में किया? 22 में. ओके, एंड उसके पहले? उसके पहले हमारा खुद का पैसा था. आपने कितना पैसा डाला है बिजनेस में? हमने दोनों 2 crores ईच इन्वेस्ट किए थे. 2 crores, और वो पैसा कहां से आया? फैमिली ने दिए थे. This June में हमने 6 crore का convertible round close किया. Cap क्या है उसमें? उसका actually एक formula था हमने रखा. 3 months average GMV times 3, the average monthly revenue into 12. कब होगा वो convert? In April. Expected क्या है? क्या cap पे होगा? 100 crore का valuation expectation है क्योंकि हमारा run rate अभी अच्छा है. 20 crores you've invested totally. Correct. It's all gone or? हमारे पास राइट नाउ 2.5 crore मनी इन द बैंक है, और हमारा स्टॉक्स एंड रिसीवेबल्स अराउंड 3 crores है. और प्लांट में जो इन्वेस्ट, प्लांट में हमने ऑलमोस्ट 3 crores इन्वेस्ट किए थे, और R&D में और अराउंड 5 CR इन्वेस्ट. और पैसे बना रहे हो? अभी पैसा नहीं बना. Why don't you run us through your revenue and cost structure? Last month's net sales were 1.1 CR. Okay. And our last month's burn was around 45 lakhs. Wow. What was your sales last financial year and what do you expect to do this financial year? 22-23 financial year mein hamara around 1.5 CR net sales tha. Okay. Okay. Aur year to date up to now hamara net sales hai 6 CR. Aur kitna karoge? This year we are expected to close around 10 CR net sales. Aur burn kitna karoge aap? 5 CR बर्न करेंगे. उफ, तो कहाँ जा रहा है पैसा? CM1 में ही लॉस है आपका कि कहाँ है? यूनिट इकोनॉमिक्स समझाएंगे? So the unit economics 299 is the MRP.
and retailer margin is 90 rupees and the distributor margin is around 30 rupees and GST is 30 rupees और हमारा COGS है 80 rupees और वो होने के बाद हमारा salary expenditure है around 40 rupees और हमारा marketing है around 15 rupees और discounts and promo around 20 rupees discounting ही तो हुआ and promos is also marketing 35 रुपीज हो गया आपका करेक्ट मार्केटिंग रिटर्न्स वेस्टेज एंड अदर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सब मिला के इट वुड बी अराउंड 20 रुपीज तो हमारे काफी और एक्सपेंडिचर्स भी रहते हैं लिस्टिंग फीस एंड लिस्टिंग फीस आल्सो आपने मार्जिन से नहीं निकाला है नहीं और वो मार्केटिंग में भी नहीं गिरे हैं तो लिस्टिंग फीस अभी आपने काउंट नहीं किया ये जो अभी तक बताया करेक्ट वो कितना परसेंट है हमने अभी तक लगभग अराउंड 1.5 crore लिस्टिंग फीस में स्पेंड किया अच्छा इस साल कितना कर दिया है इस साल हमने अबाउट लाइक यू नो 75 lakhs कर दिया Wow. वो आपने कहीं नहीं गिना अब तक I put in other operational expenditure. अच्छा वो लाइन आइटम आए नहीं अभी तो पैसा तो खत्म होने वाला होगा आपका कितना पैसा बचा 2 crore है इनके पास नहीं बट दे आर बर्निंग 45 अ मंथ सी आई थिंक योर सक्सेस इज गोइंग टू बी व्हेन वी हैव टू मार्केट मेक ये जो कैटेगरी शुरुआत है भारत में और मुझे लगता है कि द मैक्सिमम हेल्प यू आर गोइंग टू नीड इज फॉर मार्केट मेकिंग यू हैव टू क्रिएट अ मार्केट एंड यू हैव टू बिल्ड अ मार्केट एंड फॉर दैट वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स इज गोइंग टू बी कि यू आर गोइंग टू नीड मनी Because profitability तो होंगे आप जब मार्केट खोल रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ दैट एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द सेम डे तो आपकी क्या सोच है ग्रोथ की आपकी एम्बिशन क्या है हमारा एम्बिशन है ऑफ कोर्स ग्रोथ मगर हम बहुत ज्यादा बर्न करके ग्रोथ नहीं हमारा टारगेट है टू रीच टुवर्ड्स ब्रेक इवन विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 months तो ब्रेक इवन करेंगे और मार्केट मेक करेंगे इसमें जोड़ नहीं होती है ना वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट And if it's a good product, which we all think it is, we'll have to make something of it. For that, you need jigger of a different nature. You need a thinking of a slightly different nature. हमारे को दोनों बैलेंस करना है कि हमारा रियलिस्टिकली जो है ब्रेक इवन भी चाहते हैं इन्वेस्टर्स और आप कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं कि कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं कि आपके लिए बना रहे हैं तीनों के लिए शायद तीनों के तीनों As a mother, when I see ingredients like oil and all in a product, And this quasi milk, this confusing communication to a consumer, जहाँ बच्चे consume कर रहे हैं, a category around trust, I feel a little nervous about that. I really think के trust business का खासकर ऐसे business का एक बहुत important tenant है, तो आप please इसके बारे में मेरी advice है, आप सोचिए. For that reason, I'm out. For me, the most important part is कि आगे की सोच क्या है, और I'm not getting your full vision. ये category building है, नहीं तो it won't go very far. And for that reason, I'm out. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ability to just sell your vision or clarity of vision is not there. मेरे हिसाब से you should get a strategic investor at this stage or a large institutional investor because इसमें 50-100 करोड़ रुपए लगेगा. बिल्कुल. Who has done this business and maybe जिसने US में देखा है and who can be there with you for long term. I don't think मैं वो value add कर पाऊंगा तो मैं बाहर थोड़ा सा मुझे यही लग रही है problem कि एक तो ये Indian consumer के लिए अभी इतना बड़ा price जब तक ये price 100 rupees तक नहीं आएगा milk के जितना नहीं होगा ना movement बड़ी tough है अभी तो सबसे पहले इंडिया में ये confusion हो रही है कि lactose intolerant भी लोगों को पता ही नहीं है अभी तक पता लग रहा है तो अभी बहुत जल्दी I think you're too early market is not ready for you guys तो इसी रीजन से मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर होना पड़ेगा आई एम आउट देखिए प्रॉब्लम क्या है ना व्हाट यू हैव टू टेल योरसेल्फ आपको ये मानना पड़ेगा बेस्ट प्रोडक्ट डज नॉट विन करेक्ट राइट आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए यू हैव टू सेल इट जितने भी फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं एंटरिंग दिस कैटेगरी ऑफ अल्टरनेटिव फूड्स छोटा छोटा शेयर रह जाएगा द डिफरेंस विल बी इन द टीम जो इसको विजन को बेच सकती है कंपेलिंग वे और फंड रेज कर सकते हैं Right. वो बात नहीं दिख रही है आज राइट एवरीबडी इज टेलिंग यू दैट सो दैट्स व्हाई इवन आई एम आउट थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुड लक गाइस थैंक यू